तो आज हम बात करेंगे इंडियन पिकॉक यानी भारतीय मोर के बारे में, जिसकी खूबसूरती मनमोहक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो किस्टेटस है। ज्ञात हो कि इंडियन पिफाउल पक्षियों की एक प्रजाति है जिन्हें फिजेंट कहा जाता है, जिनमें मेल यानी नर को पिकॉक कहते हैं जबकि फीमेल को पिहेन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं पिफाउल की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे ब्लू पिफाउल जो भारत एवं श्रीलंका में पाया जाता है, जबकि ग्रीन पिफाउल चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार व थाईलैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्गो पिफाउल केवल सेंट्रल अफ्रीकन देशों में मिलता है। दोस्तों, ये जानना आवश्यक है कि पिकॉक को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड नामित किया गया था, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है, जो देश के जीवों का प्रतीक है, तथा भारतीय संस्कृति में इसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का लंबा इतिहास रहा है। इंडियन पिकॉक यानी भारतीय मोर एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है, जिसके सिर पर पंखों की कलगी, आंखों के नीचे एक सफेद धब्बा होता है एवं इनकी गर्दन लंबी व पतली होती है, जो आप देख पा रहे हैं। पिकॉक यानी मोर अपनी लंबी पूंछ के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 5 फुट तक हो सकती है, जिसे ट्रेन भी कहा जाता है। इनकी पूंछ के पंख मेटालिक ग्रीन कलर के होते हैं, जिन पर इंद्रधनुषी आई स्पॉट पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ ब्लू एवं ब्रॉन्ज कलर की रिंग्स पाई जाती हैं, जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, वयस्क पिकॉक का साइज 35 to 50 inches का होता है, जबकि इनकी टेल 5 feet तक हो सकती है। जबकि फीमेल पिकॉक यानी पीहेन साइज में छोटी होती है एवं देखने में नीरस होती है, जिसके पूंछ भी नहीं पाई जाती। पिकॉक का वजन 4 to 6 kg तथा पीहेन का वजन 3 to 4 kg होता है। इन्हें पक्षी वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है। इनका जीवन काल 15 टू 18 वर्ष तक हो सकता है। ये आमतौर पर डेसिडुअस फॉरेस्ट, श्रबलैंड्स एवं ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहना पसंद है, क्योंकि ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब ओमनिवोर्स होते हैं। दोस्तों, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी मेल एवं फीमेल देखने में भिन्न होते हैं। इंडियन पिकॉक पॉलीगेमस होते हैं, अर्थात एक से अधिक पिहेन के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही रोचक है कि पिकॉक पिहेन को लुभाने के लिए अपनी पूंछ का प्रदर्शन नाचते हुए करता है, तथा पिहेन अपने साथी का चयन पूंछ में पंखों की गुणवत्ता और उन पर आई स्पॉट की संख्या के आधार पर करती है। पिहेन जमीन पर घोंसले बनाती है और लगभग 6 to 8 अंडे देती है, जो 28 दिनों के इनक्यूबेशन के बाद इनमें से चूजे
बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इनके चूजों को पीचिक्स भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं व्हाइट पिकॉक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, क्योंकि इनके पंख ल्यूसिज्म नामक जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण सफेद हो जाते हैं, जो मिलेनिन को इनके पंखों में जमा होने से रोकता है। दोस्तों संरक्षण की दृष्टि से इंडियन पिकॉक लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है, यानी इनकी जनसंख्या स्थिर है, फिर भी इन्हें अपने निवास क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विदित है कि इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्यापक है, इसलिए स्थानिक खतरों और इनके प्रभावों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण है। इंडियन पिकॉक को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल वन में संरक्षित किया गया है। दोस्तों आज का विषय आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट कर हमको बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।